अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दूंगी मैथ का सेकंड लेक्चर लेवल ऑफ फाइव यूनिट नंबर टू एक्सरसाइज टू बी। आज हमने फाइंड आउट करना है एचसीएफ बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आज हम करेंगे डिवीजन मेथड से। एज इन फिर डिवीजन मेथड मतलब लॉन्ग डिवीजन से करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना। जैसे कि पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया कि एचसीएफ किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इन क्वेश्चन को डिवीजन मेथड के थ्रू इसके हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। उसके इसका पहले जो नॉर्मल डिवीजन होती है उसमें तो सिर्फ दो वैल्यूज पर डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर तीन वैल्यूज है, वन टू एंड थ्री। अब तीन वैल्यूज के डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, हम इनमें से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू करें। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 96 और छोटी वैल्यू 36। हम 36 को एज अ डिवाइजर यूज़ करेंगे, मींस कि वो वैल्यू जिससे डिवाइड किया जाए, और 96 जो कि बड़ी वैल्यू है वो एज अ डिविडेंड जो कि डिवाइड होगी वो यूज होगी। अब हमने ये करना है 36 का टेबल पढ़ना है कि 96 या उससे लेस की फॉर्म है। 36 वन्स आर 36, 36 टूज आर 72 एंड 36 थ्रीज आर 108। अब देखिए यहाँ पे लिखे 96, यहाँ पे हमारे पास आ रहा 108, तो हम कौन सी फॉर्म लेंगे, 72। 2 पे आ रहा है तो 36 टूज आर 72। जब इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है डेट इज 24। अब यहाँ पे 24 जो कि रिमाइंडर है इनको सॉल्व करने के बाद बच गया, बट हम इसको एज अ डिवाइजर यूज़ करेंगे, और जो कि डिवाइजर था 36 जिसे डिवाइड किया था हम उसको एज अ डिविडेंड यानी कि डिवाइड करने के लिए यूज़ करेंगे। इसको हम बाहर लिखेंगे, इसको अंदर। अब हमने 24 का टेबल पढ़ना है कि 36 या उससे लेस कोई वैल्यू है। 24 वन ज़ा 24, देन 24 टू ज़ा 48। अब देखिए ये भी वैल्यू बढ़ी है तो हम क्या लेंगे, 24। तो 24 वन ज़ा 24। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36 माइनस 24 डेट इज़ 12। अब ये भी इसका रिमाइंडर है, बट हम इस रिमाइंडर को एज अ डिवाइजर यूज़ करेंगे, और जो डिवाइजर था उसको एज अ डिविडेंड, और फिर इसको 24 को अंदर लिखेंगे। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 24 है वो, तो आपको 12 का टेबल तो सबको याद है, तो 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24। और ये हमारे पास इन दो के डिवीजन से आंसर हमारे पास, नॉर्मल हम जब क्वेश्चन करते हैं डिवाइड के तो हम जो लास्ट में आंसर बचता है 2, 3, 4 जिस पर भी डिवाइड किया जाता है वो होता है, बट डिवीजन मेथड में जिससे जो एज अ डिवाइजर यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं। इसके डिवाइजर जो बच गया है यहाँ पर डिवाइजर, उससे हम जो रिमेनिंग वैल्यू हमारी रहती है 72 उसको डिवाइड करेंगे। हम 12 का टेबल लिखेंगे, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, 12 फाइव ज़ा 60, 12 सेवन ज़ा 72। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 72 और ये 72 यहाँ पर आ गए, सो 12 6 ज़ा 72 जो कि इस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब हम 6 को नहीं, नॉर्मली डिवीजन में हम 6 को यहाँ से जो 6 जो हमारे पास कोटेड होता है उसको यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे जो डिवाइजर यूज़ हुआ उसको यूज़ करेंगे। इसमें यहाँ पर जो डिवाइजर के तौर पर वैल्यू आई है वो हमारा एच सी एफ है, मीन्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि इन तीनों वैल्यूज को डिवाइड करता है। अगर हम 12 का टेबल आगे पढ़ना काउंट करें, 12 सेवन ज़ा 84, 12 एट ज़ा 96, तो आप देखेंगे कि 12 जो कि यहाँ पे एच सी एफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 12 के टेबल पे 36 भी आ रहा है, 12 के टेबल पे 72 भी आ रहा है, और 12 के टेबल में 96 भी आ रहा है। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
वो फैक्टर जो के दिए गए क्वेश्चन को, वो वैल्यू जो कि जितनी भी जो भी वैल्यूज दी जाएंगी उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता होगा विदाउट एनी रिमाइंडर, उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ। अब हमने ये जो मैथड किया ये है डिवीजन मैथड से। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।